So we'll continue the study. We will continue the study from John chapter 10, and we will consider the first 15 verses today for our study. और सभी लोगों को सुबह की नमस्कार. आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहला 15 पदों को हम लोग अध्ययन करेंगे. So we saw in Gospel of John, chapter 9, there was a great conflict with the religious leaders. नौवां अध्याय में हम इस विषय को विस्तार रीति से देखे थे कि जो धर्मशास्त्री लोग थे उन लोगों के बीच में बहुत बड़ी एक झड़प थी. When Jesus healed a man who was born blind, the religious leaders show themselves to be so unhelpful, so cruel to the man, his parents, and the common people in general. और जब हम लोग देखते हैं कि एक अंधा जन्म से ही अंधा व्यक्ति उसको स्वस्थ किया जाता है, तब सब के सब जो लोग थे, धर्मशास्त्री लोग थे, वे लोग साधारण लोग भी थे और इसके साथ साथ धर्मशास्त्री लोग वे आपस में भिड़ गए थे. So Jesus felt it very necessary to talk about the contrast between his heart and work as a leader of God's people and the heart and work of many of the religious leaders who were the Pharisees and the Sadducees. और हम लोग इस विषय को देखते हैं कि जब ये झड़प होती है, ये विवाद होता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सही समझा कि जो विश्वासी लोगों का हृदय कैसा होता है, यीशु मसीह का हृदय और कार्य कैसा है, और उसके साथ साथ जो वहां पर धार्मिक जो अगवे लोग थे और लीडर लोग थे, उन लोगों का कार्य कैसा है, उन लोगों का सोच और विचार और उनके हृदय कैसा है, इसके विषय में चर्चा करना यीशु मसीह से ही समझा. The Pharisees thought that they were the leaders of the temple and they were the pastors and that Jesus did not have any permission from them and he was an intruder, imposter, and therefore the people were supposed to support the Pharisees against Jesus Christ. और क्या था ना, जो फारसी लोग थे वे लोग ही उस मंदिर का और उसके साथ साथ वहां के जो धार्मिक स्थलों का वे लोग ही वहां के अगवे लोग थे, वहां के चरवे थे, और यीशु मसीह एक चोर के नाई वहां पर घुस आए थे और लोगों का सपोर्ट जो है ये लोग चाहते थे. फारूसी और सादूसी लोग चाहते थे यीशु मसीह को किसी भी तरीके से तिरस्कार किया जाए, ताड़ना किया जाए, यही फारूसी लोगों का आकांक्षा और इच्छा थी. सो जीसस इन दिस चैप्टर चैप्टर 10 ही इज टॉकिंग अबाउट हु वर द फॉल्स शेपर्ड्स एंड हु इज द ट्रू शेपर्ड, leaving them to infer who is the good one and who are the bad. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही एक मुख्य संदेश देना चाहते हैं, वो ये था कि सच्चे चरवाहा कौन है और झूठे चरवाहा कौन है, कौन अच्छा काम करता है और कौन बुरा, इस बात को वो बताना चाह रहे थे. So in this context, let us turn to John chapter 10 and verse 1-3, which is the shepherd and the sheep. और आइए ये सब बातों को हमारा मन में रखते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहला 3 पदों को हम लोग पढ़ेंगे. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है. उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है. थैंक यू ब्रदर. सो या सो इन दिस 3 वर्सेस वी रीड अबाउट द शेपर्ड एंड हिज शीप. और इन 3 पदों में हम चरवाहा और उसकी भेड़ों के विषय में हम पढ़ सकते हैं. So if you see, the first 2 words in the English Bible is written verily, verily, or it means most assuredly, or this is a truth. और पहले जो 2 शब्दों को यदि आप लोग देखेंगे, सच सच कहता हूँ, यहाँ पर सच सच की बातें जो है यहाँ पर
दोहराया गया है. So this is the phrase which is peculiar to the Gospel of John only. और ये जो शब्द है हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही वास्तव में देख सकते हैं. So he who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. जो द्वार से नहीं आता बल्कि दीवारों से या फिर और कोई दूसरे जगह से वो यदि प्रवेश करता है वो व्यक्ति चोर और डाकू कहलाता है. If we turn to Isaiah chapter 56 and verse 11, we read in that portion that the spiritual leaders and the political leaders were often called shepherds in the ancient world. और जब हम ऐसा नबी का पुस्तक उसका 56वां अध्याय और 11 पद को हम लोग खोल करके यदि देखेंगे तो पुराने जमाने में जो राजनीतिक नेता लोग थे और उसके साथ साथ जो कलिशिया को बा उस समय की जो सभा को अगवे करने वाले लोग उन लोगों को चरवाहा कहा जाता था. So you read in Isaiah chapter 56 and verse 11, yeah, they are greedy dogs who can have never enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look into their own way, everyone for his gain from his quarter. और क्या तरीके से हम लोग देखते हैं, वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते. वे चरवाहे हैं जिनमें समझ नहीं. उन सभों में अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है. But then when you come to Jeremiah 3 and 15, there is a good news which the Lord says through Jeremiah 3:15 says, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. जब हम यिर्मयाह का पुस्तक उसका 3rd अध्याय 15 पद को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि वे मेरे समझ के ऐसे चरवाहा में दूंगा करके परमेश्वर कहते हैं. So Jesus explained that not everyone among the sheep is a true shepherd. Some are like thieves and some are like robbers. और प्रभु इस बात को कहते हैं कुछ चरवाहे तो ऐसे हैं कि चोर के समान है और कुछ चरवाहे डाकू के समान है. So the idea is that there is a door. There is a proper way to gain entry. और वो कहने का तात्पर्य यही है कि एक मार्ग होता है, एक द्वार होता है जिससे हम प्रवेश कर सकते हैं. Not everyone who stands among the sheep comes through that door. और हम लोग देखते हैं कि सब कोई जहां पर खड़े होते हैं उस रास्ते से, उस द्वार से सब कोई नहीं आता है. So they climb up some other way and the same as a thief and a robber. और वो लोग क्या करते हैं, वो चरवे है दूसरे रास्ता लेकर के बा और फिर कोई दीवार को चढ़ करके वो लोग घुस आते हैं. वे लोग कैसे हैं, चोर और डाकू के समान हैं. So how industrious are wicked people to do mischief? और क्या होता है ना, ये गलत काम करने के लिए लोगों का देखिए कैसे कैसे योजनाएं हैं. They climb. वो लोग चढ़ जाते हैं. And they find some way to come inside. और वे लोग कुछ मार्ग को ढूंढ लेते हैं किसी भी तरीके से अंदर प्रवेश कर जाएं. Oh, what plots they make and what pains they take and what hazards they will go through in their wicked pursuits. Oh, वो लोग जो है कितना दुख को उठाते हैं, कितना तकलीफ और परेशानियों से हो करके अपना कार्य को पूरा करने के लिए वे प्रयास करते हैं. So the religious leaders had gained their place among God's people who are referred as sheep. और जो है यहाँ पर जो धार्मिक नेता लोग हैं वे लोग ये सब कुछ को अपने भेड़ों का अंदर प्रवेश करने के लिए हर तरह का प्रयास करके अपने आप को स्थापित किया है. You know, today's leaders, they through their personal and political connection, through education, through ambition, through manipulation, through corruption, become leaders.
और आजकल की राजनेता लोग हैं वो व्यक्तिगत तौर से और राजनीतिक तंत्र से और अपनी जो है एजुकेशन को देख करके हर तरह का प्रयास उसे वे अपने आप को स्थापित किए हैं. So we saw that he who does not enter the sheepfold by the door, the same is a thief and robber. और हम लोग देखते हैं जो कोई भेड़शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता वो व्यक्ति चोर और डाकू के समान है. So he who enters by the door, who is he? He is the shepherd of the sheep. और जो द्वार से प्रवेश करता है वो कौन है? ना वो जो है वो भेड़ों की चरवाहा है. A true shepherd comes in a proper way, legitimate way, in a designed way. और एक सच्चे चरवाहा सही तरीके से अपने जो है जिस तरीके से वो हर समय जो आता है उसी तरीके से ही वो अंदर प्रवेश करता है. He comes with a lot of love and he calls by name and he cares and he does sacrificial service. और वो क्या करता है? वो अंदर प्रवेश करके अपना प्रेम को दिखाता है, प्रेम से बुलाता है, उनका ध्यान और ख्याल रखता है और अपने सब कुछ लागू करने का प्रयास करता है. So the character that distinguishes the rightful owner who has a property of the sheep, he cares for them and he enters by the door as one having authority. और वो क्या करता है? ना अपना अधिकार लेते हुए वो उसी द्वार से प्रवेश करता है और सब कुछ कार्य को अपना नियंत्रण में वो लेता है. So next time you come home, you go to the back window and try to, expand the window rails and then try to come in. What will your wife think about you? और अगले बार जो है तुम खिड़की के तरफ से आ करके या फिर कोई रेलिंग लगी है उस तरफ से चढ़ करके यदि आप आओगे तो आपका पत्नी आपके बारे में क्या सोचेगी, क्या बोलेगी? You will never ever think of that and you will enter by the door as one having authority and as the master of the house. आप ऐसे काम को कभी नहीं करेंगे. आप तो द्वार के अंदर द्वार से ही प्रवेश करेंगे और ऐसे प्रवेश करेंगे कि उस घर का मालिक है और उसके पास हर तरह का हुकूमत और हक है, उस तरीके से आप प्रवेश करेंगे. So God always intended for his people that they will be led, fed, protected by those who come through the right door in the intended way. और परमेश्वर इस तरीके से उस चीज को बा उस कार्य को उन्होंने रखा है. वो क्या है? ना परमेश्वर के जो लोग हैं वे अगवाही किए जाएंगे, वो खिलाए जाएंगे और उनका जो है ध्यान और संभाला जाएगा. Sheep always needs man's care and in return for it they are serviceable for man. और क्या होता है? ना जो भेड़े हैं उन भेड़ों का मनुष्य की देखरेख बहुत ही आवश्यक है. जब देखरेख यदि हम करेंगे तो वापस वो भेड़े भी हमारे लिए वो प्रदान करते हैं और वापस में वो हमारे कार्य में आते हैं. So if you see 1 Corinthians 9:7, the last part, they clothe and feed those by whom they are looked after and fed. So if you turn to 1 Corinthians 9:7, the last part, it reads like this: Who feedeth the flock and eateth not of the milk of the flock? और यदि पहला कोरिंथियों उसका नौवा अध्याय सातवां पद का आखिरी भागों को यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? The door is always there for a reason. और द्वार जो है हर समय ऐसा कुछ कारण के लिए वहां पर द्वार लगाया जाता है. Some will be always climbing over the door, but some will come through the door. कुछ लोग तो हर समय द्वार के ऊपर से चढ़ करके आने का प्रयास करते रहेंगे लेकिन और कुछ लोग द्वार के अंदर से ही प्रवेश करेंगे. So who therefore enters not by the Lord Jesus Christ into a pastoral office or a elder's office or a leader's office is no other than a thief and a robber in the sheepfold.
और हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नियुक्ति के द्वारा कोई यदि जो है पास्टर बन जाता है या प्राचीन बनता है या अगवेह बनता है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं बल्कि अपने आप और एक जो है चोर और डाकू के नाई होता है। So if he does not enter by Jesus Christ and if he enters with the prospect of some other interest besides that of Christ and his people, then there is a danger for the sheep. और यदि जो है सही मार्ग को चुन करके सही रास्ता पकड़ करके यीशु मसीह के द्वारा नियुक्ति के द्वारा वो व्यक्ति यदि उस भेड़शाला में प्रवेश नहीं करेगा तो वास्तव में देखेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे खतरा और परेशानी जरूर होगी। We have heard of leaders or even some people who through gospel and their ambition and the love of money, love of ease, desire to enjoy convenience of life, to be distinguished from the people, you know, they are in all ways thieves and robbers who enter. और हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे जगह में देखे हैं, बहुत सारे लोगों के विषय में हमने सुना है कि वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग सुसमाचार सुना है और फिर बाद में सुन करके जो है वो लोग आए हैं, लेकिन उनका सोच और विचार क्या रहता है, पैसों के प्रति उनका प्रेम रहती है और लोगों के बीच में बहुत बड़े बड़े डींगे मारते हैं, जाने पहचाने बनने का प्रयास करते हैं, ऊंचे पद में रहना चाहते हैं, वे सब के सब अपनी इच्छाओं को अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आए हैं, वो चोर और डाकू के समान है। So that's why Jesus Christ is calling them thieves or robbers. इसीलिए ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह चोर और डाकू करके कहते हैं। So there is a difference from a thief and robber. Just think about it, and I'll give you an opportunity to answer. What is the difference between a thief and what does a robber do? What do they do differently? और जो है चोर और डाकू, इन दोनों का जो है इन लोगों का कार्य क्या है, इन लोगों के बीच में जो है भिन्नता क्या है, चोर क्या करता है, डाकू क्या करता है, आप जवाब दीजिए। So there is no better loud picture of Jesus than that of his picture like a good shepherd. और जो है ऐसा और कोई अच्छा चित्र नहीं हो सकता जैसे कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रेमी और अच्छा चरवाहा है। So the picture of the shepherd is interwoven into the language of the Bible. और जो चरवाहा है, ये चरवाहा वास्तव में प्रभु वा परमेश्वर की वचन से ये पूरा जुड़ी हुई एक वचन है। And the main part of Judea in Israel was a central plateau which stretched from Bethel to Hebron for 35 miles. और जो जुडिया के विषय में यदि देखें भाई, यहूदा के विषय में देखें, वो ऐसा पहाड़, ऐसे जो है तराई है जहां पर करीबन बेथेल से हेब्रोन तक 35 मिली दूरी है। The ground was rough and it was stony. जो जगह है वो जगह बहुत ही कड़क है और पथरीला है। The life of a shepherd was hard. और वहां के चरवाहा का जीवन बहुत कठिन है। You will never see sheep grazing without a shepherd. और आप लोग कभी भी जो है ऐसा नहीं देखेंगे, बिना चरवाहा के वहां पर भेड़े नहीं दिखाई देते। And also the shepherd was never off duty. He never took leave. और जो चरवाहा है कभी भी अपने जीवन में छुट्टी नहीं मारता, हर समय वो मौजूद रहता है। Just imagine if there were 100 sheep and there was one shepherd and the shepherd took 5 days leave. When he comes back, how many sheep will be left? आप इस बात को सोच करके देखिए, मान के चलो कि 100 भेड़े हैं और वहां पर एक ही चरवाहा है, वो चरवाहा यदि 5 दिन का छुट्टी पर चला जाएगा, फिर जब 5 दिन का छुट्टी के पश्चात वो 100 भेड़ों का परिस्थिति क्या होगी, कितने बच रहेंगे? We have to introspect why there is backsliding in our assemblies. It is the mistake of our own mistakes of the shepherd that sometimes we take leave.
मेरे प्यारो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है हमारा कलिशिया में क्यों लोग पीछे मुड़ करके जाते हैं। ये हमारा जो चरवाहों का कभी कभी गलती के वजह से वे लोग पीछे मुड़ करके प्रभु से दूर हो जाते हैं। So in Judea there was little grass and the sheep were bound to wander and there were no protecting walls because after the plateau there was a deep fall and means like if the sheep went beyond that particular limit of the plateau the sheep will fall and die. और क्या हम लोग देखते हैं कि उस क्षेत्र में जो है ज्यादा घास दिखाई नहीं देता। वो क्या होता था कि बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ है, यदि वे लोग उस पहाड़ के सीमाओं के दायरे में यदि वो लोग नहीं रहेंगे, वो भेड़े नहीं रहेंगे, यदि ऊपर कहीं चढ़ गए तो फिर वो भेड़ों के लिए खतरा है, वो पहाड़ के ऊपर से गिर करके मर जाएंगे। ऐसा था वहां का परिस्थिति। The sheep has to be constantly watched. और क्या है ना, उस शीप का जो है एक निगाह लगा रहने की जरूरत है, वो देखते रहने की आवश्यकता है। That is why the eyes of the Lord are upon you and me. We have to be constantly watched and the chief shepherd is watching and the smaller shepherds who are in charge of the flock in various places, they also have to be constantly watching the sheep. Were bound to wander and get lost. और हम लोग क्या देख सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर का निगाह आपके और मेरे ऊपर बना रहा है, और जो छोटे छोटे चरवाहा हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त करके आपके और मेरे ऊपर निगाह बना करके रखने के लिए, आपके और मेरे ऊपर एक नियंत्रण करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। The work of a shepherd is sometimes very dangerous. और कभी कभार ऐसा है कि एक चरवाहा का कार्य बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही खतरादायक होती है। Because if a lion or a tiger is somewhere in the vicinity, he is looking for his biryani. और कभी कभार क्या होता है, कोई शेर या फिर बाघ क्या करता है ना, वो अपना बिरयानी का जुगाड़ में वो रहता है। So he has to guard the flock against wild animals. And animals like wolves, and there are always thieves and robbers who are ready to steal the sheep. और हम लोग क्या देख सकते हैं, इसीलिए कि जो है हम लोग देख सकते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो हर समय जो है तैयार रहते हैं चोरी करने के लिए, हर समय वो लोग छीन करके खाने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं। So constant vigilance, fearless courage, and patient love for the flock were the necessary characters of the shepherd, characteristics of a shepherd. और क्या होता है ना, एक निर्भय और एक जो है एक निर्भय व्यक्ति होने की आवश्यकता है। एक ऐसी स्वभाव है जो कभी वो डरता नहीं, वो स्वभाव में कभी कमी नहीं आता, ऐसे स्वभाव होने की आवश्यकता है। And patient love is a hallmark of a good shepherd. और एक धीरजता की प्रेम एक चरवाहे का एक अच्छी गुण को दर्शाता है। In the Old Testament, God is pictured as a shepherd and the people like his flock because in Psalm 23 and 1 we see, the Lord is my shepherd, I shall not want. और हम लोग क्या देख सकते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर को एक अच्छा चरवाहा के रूप में दर्शाया गया है, और इसीलिए जो है भजन संहिता 23 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरा वा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। In Psalm 77 and 20 we read that the Lord led his people like a flock but he used people like Moses and Aaron. Pardon me uncle. In Psalm 77 and 20, we read that God led his people like a flock by the hand of two people, Moses and Aaron. और क्या हम लोग जो देख सकते हैं भजन संहिता 77 उसका 20 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इस तरीके से अगवाही किया, दो लोगों के हाथों में कार्य को सौंप दिया, वो मूसा और हारून था। So in Psalms 79 and 13, we read that we thy people, the flock of thy pasture, we will give thanks to thee forever. और हम लोग जो है भजन संगीता उसका
79 का 13 में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, हम सब के सब आपके चरवाहे की व आपकी चराई की भेड़े हैं, आपको ही हम स्तुति करेंगे प्रभु, तेरा ही हम प्रशंसा करेंगे। And in Psalm 80:1 we see, give ear O shepherd of Israel who lead us Joseph like a flock। और जो है भजन संगीता उसका 80 का पहला आयत में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, He is our God and we are the people of his pasture and the sheep of his hand, we read in Psalm 95। और हम लोग हे इसराइल के चरवाहा, तू जो यूसुफ की अगवाही और भेड़ों की सी करता है, कान लगा। और जो है भजन संगीता 95:7 और जो है भजन संगीता 95 का 7वां पद में भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं। So we know in Psalm 100 we read that we are his people and the sheep of his pasture। और हम लोग जो है भजन संगीता में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी चराई की भेड़े हैं। So if you turn to Ezekiel chapter 34 and verse 31 we read that you my flock are men and I am your God। और Ezekiel का उसका 34वां अध्याय और 31वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। सो गुड मैन एंड विमेन आर फिटली कंपेयर्ड टू शीप। और जो अच्छे आदमी और औरत लोग, जो वे लोग भेड़ और बकरियों को तुलना किया गया है, वे लोग जो है अच्छे भेड़ बकरियों के साथ जो है उनकी तुलना की गई है। We are not the lion of the forest or the bear of the forest, we are the sheep of his pasture। और हम जो कोई जंगल के शेर नहीं है या फिर जंगल के कोई भालू नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर की उस भेड़शाला के जो है एक एक भेड़ है, चरवाही की भेड़ है। We as good men and women as new creatures in Christ have good qualities of sheep, harmless, inoffensive, meek, quiet। और हम जो है प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, हम सब के सब जो है किसी का ऐसे सृष्टि बने हैं, किसी का विरोध करने वाले नहीं है, किसको धोखा देने वाले नहीं है, हम तो नम्र है, हम तो दीन है। एंड यू नो द शीप आर पेशेंट अंडर द हैंड ऑफ टू पीपल, द शेयरर हु कट्स द वूल फ्रॉम हिज बॉडी एंड द बुचर हु सैक्रिफाइसेस or the priest who sacrifices the sheep for the remission of sin or the covering of sin in the Old Testament। और हम क्या देख सकते हैं, ना वो जो चरवाहा है, वो चरवाहा दोनों के हाथों में जो है वो क्या करता है, ना वो जो भेड़ है दोनों के हाथों में शांत होकर के रहता है। वो किस किसके हाथ में वो रहता है, एक तो जो कसाई होता है उसके हाथ में वो शांत होकर के रहता है, और उसी साथ साथ जो घसियारा होता है वो घसियारा के हाथ में भी वो शांत होकर के रहता है। So it's not only for Israel, if you turn to chapter 11 and 52 of John we see the church of the world of God in the world is like a sheepfold into which the children of God that were scattered abroad are gathered together। और इज़राइल के विषय में ही नहीं, बल्कि हम लोग यदि देखें तो पूरा के पूरा कलीसिया को इस विषय को कहा गया है। यदि योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 52 पद को अब यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया, और ना केवल उसी जाति के लिए वरन इसीलिए भी है कि परमेश्वर की तितर वितर संतानों को एक कर दें। सो दे आर यूनाइटेड एंड इट्स अ गुड फोल्ड and the fold is fortified
एंड गॉड हिमसेल्फ इज लाइक अ वॉल ऑफ फायर। और वो क्या है ना, सभी लोगों को तितर बितर हुए भेड़ों को एकत्रित किया गया है, उन लोगों को चारों ओर दीवार बनाया गया है और उनका रखवाला परमेश्वर है। So it the fold is fortified by God, and we read in Zechariah 2 and 5 that God himself is a wall of fire around them. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है वे लोग इस चारों ओर दीवार उनको लगाया गया है, वहां पर वे लोग सुरक्षित हैं। और हम लोग जकरिया का पुस्तक का उसका 45 का 2 में यदि हम लोग देखेंगे तो प्रभु व परमेश्वर ही जो है एक आग की नहीं दीवार बना करके खड़ा है। In the Old Testament, God is also the anointed one, the Messiah. He is also pictured as the shepherd of the sheep. और पुराना नियम में यदि देखें तो मसीहा के विषय में वो मसीहा एक चरवाहा है, भेड़ों की रखवाला है। Isaiah 40:11, we read that he will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arms, and he will carry them in his bosom, and gently lead those that are young. और यदि आप यशायाह नबी का पुस्तक उसका 14 अध्याय और 11 पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, तेरा विभव और तेरी संगरिया का शब्द अधलोक को उतार गया है, कोड़ी तो तेरा am I reading the same words? Yeah, 40:11. Oh, 40. I thought 40. Yes. Okay. Yeah. I'm sorry. Yeah. Okay, I'll read Uncle Will. So, लोग जो है ऐसे नबी का पुस्तक उसका 40 अध्याय और 11 पद में पढ़ते हैं, वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। You may be 50 or 60, but don't worry, nobody can take you. He is gathering you in his arms and he is carrying you in his bosom. Praise the Lord. आप हो सकते हैं 40 या 50 साल के होंगे, लेकिन क्या करेगा वो परमेश्वर जो है वो अपने बाहों में उठा करके आपको ले करके चलेगा, एकत्रित करके लेके चलेगा। And he will gently lead the young. और जो बड़े प्यार के साथ जो जवान है उन लोगों को अपने बाहों में लेकर के प्यार से आगे बढ़ाएगा। So the leaders of the people are described as shepherds of God's people and nation. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो चरवाहे हैं, जो अगवे हैं, वो जो देश के जो है जो जाति के उन लोगों को एक चरवाहे के रूप में स्थापित किया गया है। So Ezekiel blasts the false leaders who seek their own good rather than the good of the flock by saying, woe be to the shepherds of Israel who have been themselves. Should not shepherds feed the sheep? और हम लोग एजिकियल जो है बहुत गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के उनके ऊपर वो टूट पड़ते हैं। वो ये है कि क्या था ना, वो चरवा है क्या है ना, अपना भेड़ों की रखवाली नहीं करके, उनकी भलाई नहीं चाह करके, अपना अपना भलाई ही वे लोग चाहते हैं। इसीलिए हाय जो अपना ही चीजों के ऊपर व अपने ऊपर ही ध्यान रखता है, ना कि भेड़शाला के व भेड़ों के ऊपर। Come to the New Testament, Jesus is the good shepherd. He is the shepherd who will risk his life and save the one straying sheep. और नया नियम में जब हम लोग आते हैं, नया नियम में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो अच्छा चरवाहा है, एक भेड़ के लिए भी वो आगे दौड़ करके उसकी देखभाल करने के लिए वो जाता है। He has pity upon the people because they are like a sheep without a shepherd. और लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस खाता है, इसीलिए कि वे लोग इस परिस्थिति में हैं कि जो है वो भेड़े हैं बिना चरवाहे के समान, वे लोग पड़े हुए हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह तरस खाते हैं। His disciples are his little flock. We read that in Luke 12:32. और लूका उसका 12 का जो है 32वां आयत में हम लोग देखते हैं उनके जो चेले हैं वे छोटे छोटे एक झुंड के समान है, एक भेड़ बकरी के समान है। And he says that when the shepherd is smitten, the sheep are scattered. But he is the shepherd of the souls of men, as per Peter 1 Peter 2:25.
और हम लोग जो है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 25वां आयत के अनुसार यदि हम लोग देखेंगे कि जब भेड़ बकरियों को मारते हैं और मारने के बाद भेड़ बकरी तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो चरवाहा है एक प्राण के लिए भी अपना जान को दे करके बचाने वाला एक चरवाहा है. Even though our shepherd was smitten, he rose up from the dead, alive, to shepherd the souls of men. ओ, हमारा चरवाहा भले ही मारा गया हो फिर भी तीसरा दिन में जीवित होकर के अपना भेड़ों की रखवाली अभी तक कर रहा है. Hebrews 13 and 20 says he is the great shepherd of the sheep. और इब्रानियों उसका 13 का 26वां पद में देखते हैं वो महान चरवाहा है, उस भेड़ों की महान चरवाहा है. It is the duty of the leader to feed the flock of God. Every elder's first responsibility is to feed the flock of God. और ये क्या हम लोग देख सकते हैं, ये जो है चरवाहे का बा एक प्राचीन का प्राथमिक स्थान यही है कि अपनी भेड़ों की रखवाली करे, उनको वे जो है उनको खिलाए पिलाए. And he will do it eagerly, not for the love of money or position, but he will be an example to the flock. और वो क्या करेगा, बड़े आशा और आकांक्षा के साथ जो है अपनी भेड़ों का देखभाल करेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, ना कि पैसों की लोभ और लालच से. Paul urges the elders of Ephesus to take heed to all the flock over which the Holy Spirit has made them overseers. एफिसियों की चरवाहों को जो है इस तरीके से उनको जो है आज्ञा दिया गया था कि उस वहां की भेड़ों को जो है वहां की लोगों को भेड़ों के समान उनको देखभाल करे, उनको देख रेख करे. So, Jesus in his last command to Peter, he was told feed his lambs and his sheep. We read that in John 21. और यह रची सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा में पत्रस को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी भेड़ों की देखभाल करें, उनको खिलाए पिलाए. If you are pastoring, then the word, Latin word of shepherd is pastor. और यदि आप चरवाहे हैं तो फिर लैटिन भाषा में जो है चरवाहों को पास्टर कहा जाता है. So if you are pastor John, you are shepherd John also. और आप यदि पास्टर जॉन हैं तो आप चरवाहे जॉन भी हैं. So the Jews had a lovely legend to explain why God chose Moses to be the leader of his people. और जो है यहूदी लोगों के पास एक बहुत प्रेम भरी बातें थी कि परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना था. Moses did not have sheep, but he had his father-in-law's sheep to look after in the wilderness. And one day, a small baby sheep, it ran away. और जो है मूसा के पास कोई भेड़ बकरी नहीं थी, वो तो अपना जो है दूसरों का भेड़ बकरी को चराने वाला था, वो अपना ससुर जी का जो है भेड़ बकरी को चराने वाला था. एक बार ऐसा हुआ कि छोटी सी भेड़ जो है वो वहां से भाग गई. Moses ran after it and then it reached a ravine where it found some water to drink. और क्या हुआ है ना, वो भेड़ जो है भाग करके एक ऐसी जगह मिली जहां पर छोटा सा पानी का तालाब सस्ता था, कुंड था, उस कुंड में पानी पीते हुए मूसा ने देखा. So you know, when Moses got up to the small kid, he said, I did not know that you ran away because you are thirsty. Now you must be very, very, very thirsty. और जो है मूसा इस तरीके से कहता है, अरे मुझे तो पता नहीं था कि तुम प्यासे हो. हाँ हाँ, मुझे लगता है तुम जरूर प्यासे ही होंगे. Then God said to Moses, because you have shown pity in leading back one of a flock belonging to a man, your father-in-law, you shall lead my flock Israel. और तुम जो है एक भेड़ के लिए तुमने क्या किया है ना, उसके ऊपर तुमने दया दिखाया है, तरस खाया है, इसीलिए मैं क्या करूंगा ना, मेरे लोगों को या मेरे लोगों के ऊपर तुमको मैं नियुक्त करूंगा, एक लीडर के नहीं, एक अगवे के नहीं, एक चरवाहे के नहीं, मैं तुमको नियुक्त करूंगा करके परमेश्वर कहते हैं. So we should have unceasing vigilance and patience of the love of God, and we should be constantly reminded of our duty towards fellow men if we hold any kind of office in the Church of Christ.
और इसीलिए जब परमेश्वर ने आपको और मुझे कलीसिया में नियुक्त करते हैं, जो काम भी आपको दिया गया है वो बड़े जो है दयापूर्वक बड़े प्रेम के साथ उन लोगों के साथ हमें लीडिंग करने का वार्तालाप करने की जरूरत है। In the last 40 minutes, we saw the shepherd and the sheep. Now we'll see the sheep and the shepherd, verse 3 to 6. Please read. One brother can read verses 3 to 6. और हम लोग पिछले जो है 40 मिनट तक हम लोग चरवाहे और भेड़ों के विषय में देखा, अभी भेड़ और चरवाहे के विषय में देखेंगे, वो तीसरा पद से छठवां पद तक हम लोग पढ़ेंगे, 3 से 6। ये होना 10वां अध्याय 3 से 6 पद। I want somebody to read. Okay, brother. Okay. पढ़ रहा है। और 3 से 6। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके उनके और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराए का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे कहा, यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। So when, thank you, brother. When somebody doesn't understand, you have to use illustrations, and that's what Jesus did here. और जब कोई आपकी बातों को नहीं समझ पाता तो आपको उदाहरण का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, और वही काम को यहाँ पर यीशु मसीह ने किया। So when the shepherd comes to the sheepfold, there is a doorkeeper who opens and lets in the shepherd. जब चरवा है उस भेड़शाला में वो आता है, वहां पर एक द्वारपाल होता है, वो द्वारपाल उस भेड़शाला का द्वार को वो खोल देता है ताकि वो चरवाहे अंदर प्रवेश कर पाए। So the doorkeeper knows the true shepherd and he gives him access, like you have a password and a login. Login and a password. और हम लोग क्या देख सकते हैं, वो द्वारपाल जो है अपनी जो चरवाहे है उस चरवाहे को वो अच्छे से पहचानता है, जैसे कि आप किसी कंप्यूटर में या फिर किसी मोबाइल पे जैसे कि लॉगिन रहती है और उसका पासवर्ड रहता है, वैसे ही है। सो द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ही कॉल्स हिज शीप बाय हिज नेम एंड लीड्स देम आउट। और वो भेड़ों का नाम ले करके वो बुलाता है और वो उनकी अगवाही करता है, उनको ले जाता है। So when you call a sheep, you know, in the olden times, every sheep had a name. You know, they used to name each of the animal, and when the shepherd calls by name, there is a personal connection, and the shepherd will have a communication directly with sheep 1, sheep 2, sheep 3, sheep 99, and sheep 100. और हम लोग क्या देख सकते हैं, पुराने समय में ऐसा था कि वो चरवाहे हर एक भेड़ों का नाम रखता था और नाम रख करके उन लोगों का एक व्यक्तिगत उन दोनों के बीच में बा उन भेड़ों के साथ उनकी नाता होती थी और वो उनका नाम लेकर के पुकारता था। The shepherd doesn't drive them, he leads them. और वो जो है उनको भगाता नहीं था बल्कि उनका अगवाही करके आगे बढ़ाते ले चलता था। Some shepherds, you see, you know, beating the animals and chasing them to so that he will get home faster. वो क्या करता है, कुछ चरवा है क्या करते हैं ना, उनको मारते हैं, बहुत मार पीट करके ले जाते हैं ताकि वो घर पे बहुत जल्दी पहुंच सके। You know, we read in Isaiah chapter 1, you know, the ox knows his owner. और यशायाह नबी का पुस्तक उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं कि जो बैल है अपना मालिक को पहचानता है। They know his voice and they, so that they can discern his mind by it and distinguish it from that of a stranger. वो क्या होता है ना, वे लोग अपना मालिक की आवाज को वो लोग पहचानते हैं। कोई अजनबी आता है तो उनकी आवाज को पहचान करके अपनी मालिक की बातों को वो सुनते हैं। A sheep will never follow a stranger because it suspects something wrong will happen. It will flee from him because it doesn't know his voice. Because that is not the voice of his own shepherd.
और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो भेड़ के विषय में भी देखें वैसे ही है, एक अजनबी का आवाज को सुनते ही वो भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाला समय में ये मेरे जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ सकती है, कुछ खतरा आ सकता है, इसीलिए अजनबी का आवाज को सुनते ही वहां से वो भाग जाता है। So if you read John carefully, Jesus calls his sheep by name. यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार को आप ध्यान देंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है उन भेड़ों को नाम लेकर के पुकारते हैं। Can we consider some names? He called Philip, he called Mary of Magdala, he called Thomas, he called Simon Peter. On each occasion, it was a turning point in the disciples' life. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ना प्रभु यीशु मसीह नाम लेकर के बुलाते हैं, जैसे कि फिलिप करके बुलाते हैं, मेरी मगदलीनी करके बुलाते हैं, सिमोन पत्रस करके बुलाते हैं, वो जो समय था उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो लोग मन फिरा करके प्रभु के पीछे हो लेते हैं। At the sepulchre, the Lord Jesus called Mary, and suddenly she turned and said, Rabuni. और जब हम कब्रस्थान में देखते हैं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह मरियम करके जैसे ही पुकारते हैं, ऐसे वक्त में तुरंत वो मोड़ करके हे गुरु करके वो कहती है। There's a story which says talks about a traveler or a tourist to Jerusalem who changed his clothes and put on the shepherd's clothes and tried to lead the sheep. और क्या हम लोग देखते हैं, ऐसा एक कहानी है, वो कहानी हमें ये बताता है कि एक जो है चरवाहा जो है एक व्यक्ति है, उस चरवाहा का वस्त्र को पहन करके उस भेड़ों को जो है ले जाने का प्रयास करता है। He tried to call the sheep and lead it, but none of the sheep followed that shepherd's voice, because the sheep follow the voice and not the clothes. और क्या था, ना वो व्यक्ति जो है नाम लेकर के पुकार करके उनको अगवाही करने के लिए प्रयास किया, वे लोग किसी वो उस चरवाहे की बात को नहीं माना, क्योंकि भेड़ जो है उसकी कपड़ों से नहीं बल्कि अपनी आवाज से वे लोग पहचानते हैं। During World War I, some soldiers tried to steal a flock of sheep from a hillside near Jerusalem. The shepherd was sleeping, but when he woke up, he found that his whole flock was driven off by these soldiers. और क्या था, ना दूसरा विश्व युद्ध के समय में यरूशलेम के आसपास में एक बहुत ऐसी एक घटना हुई थी, एक चरवाहा सो रहा था, सोते वक्त क्या हुआ है, ना वो जो सेना आई थी, वो सेना आ करके उनका भेड़ों को जो है उठा करके ले जाने का प्रयास किया, सबके सब भेड़ जो है तीतर वितर हो गए थे जब वो चरवाहा सो रहा था, जब उठा तो देखा कि सबके सब भेड़ बकरियां तीतर वितर हो चुके हैं। सो दिस flock was driven off by this soldiers, and he couldn't capture them by force because the soldiers were very powerful. और वो क्या हुआ था, ना अपनी आवाज से उन लोगों को फिर से वापस बुला नहीं पाया जब वे लोग तितर वितर हो गए थे, क्योंकि वो जो सेना थे बहुत ताकतवर थे, उनको इकट्ठा नहीं कर पाया था। The shepherd used his only thing which he had in mind. He called the sheep, and suddenly, when the sheep heard the voice, it all ran in the direction of the shepherd, and the soldiers couldn't catch all the sheep. It all came back to the shepherd by one call. और क्या हुआ है, ना उनके पास ताकत बल बुद्धि सब कुछ था, लेकिन वो चरवाहे ने एक ही एक चीज को इस्तेमाल किया, वो है उसका बुलाहट, उसकी पुकार, उसकी आवाज को उसने इस्तेमाल किया, एक ही आवाज उसने दिया, सब के सब भेड़े जो है उस चरवाहे के पीछे पीछे चलने लगे। So the sheep listened and returned to the rightful owner, and the soldiers couldn't stop the sheep from returning to their shepherd's voice. और क्या हुआ था, ना वो जो सेना अपनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी वो लोग कायम नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि उस मालिक का आवाज को सुन करके वो जो भेड़े थे वे सब के सब उस जो चरवाहे के पास वे लोग लौट करके चले गए थे। So we saw verses 1 to 6 now.
And let me close this first six verses with giving you six marks of a true shepherd or minister of God. और आज हम लोगों ने छह पदों को देखा. यहाँ पर छह ऐसी मुख्य बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ. एक सच्चा और अच्छा चरवाहा का पहचान मैं बताना चाहता हूँ. He has a proper entry or proper entrance into the ministry. He doesn't climb walls. He comes through the right way through Jesus Christ who has saved him and he comes to serve him. और पहला बात को हम लोग देखते हैं, वो सही तरीके से वो द्वार से प्रवेश करता है. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो प्रवेश करता है, ना कि अपने जरिए. और वो अपना सेवा में, परमेश्वर की सेवा में वो नियुक्ति पाता है. So he sees the Holy Spirit opening. और वो पवित्र आत्मा को वो देखता है. He sees the Holy Spirit open his way as a doorkeeper to God's sheep. और वो सही मार्ग को, पवित्र आत्मा को वो देखता है. वो पवित्र आत्मा एक रास्ता को वो खोल करके देता है ताकि वो उस चरवाहे के पास वो जा सके. So the word is doorkeeper. So the Holy Spirit is a doorkeeper. और यहाँ पर हम लोग जो है द्वारपाल के विषय में देखते हैं, पवित्र आत्मा द्वारपाल के समान है. So he opens the way for you to tend God's sheep. और वो क्या करते हैं, पवित्र आत्मा वो द्वार को खोल देते हैं ताकि उन भेड़ों का आप रखवाली और देखभाल कर सको. The Holy Spirit makes leaders. It is not men who makes leaders. It is the Holy Spirit who appoints you at elders. और क्या है, ना वो पवित्र आत्मा ही ऐसे अगवों को वो तैयार करते हैं, वो पवित्र आत्मा ही आपको उस सेवा में नियुक्त करते हैं. Point number three, he sees the sheep respond to his voice in teaching and leadership. और तीसरी बात को हम लोग देखते हैं कि वो क्या करता है, ना वो चरवाहा अपनी भेड़ों को वो देखता है, देख करके उनको अगवाही करके ले जाता है. Point number four, he is well acquainted with the sheep. He knows sheep one, sheep two, sheep three, sheep 100. और वो क्या करता है, ना अपना भेड़ों को साथ उसकी बहुत ही अच्छा जान पहचान है, उसकी नाता और रिश्ता है. पहला नंबर की भेड़ ये है, दूसरा नाम ले लेकर के पुकारता है और वो ऐसे 100 भेड़ों का भी नाम वो जानता है. Sometimes in big assemblies, the leaders did not even know the names of the sheep in their assemblies. जब बड़े बड़े कलिशिया क्या होती है, उन कलिशियाओं में ना चरवा है जो है अपने भेड़ों का नाम को नहीं जानते, अपने विश्वासियों का नाम को नहीं जानते, क्योंकि कलिशिया बहुत बड़ी है. A true minister of God should be well acquainted with his flock. और एक सच्चा परमेश्वर का दास जो है अपने भेड़ों के साथ उनकी अच्छी नाता और रिश्ता होने की जरूरत है. Point number five, he leads the flock and does not drive them or lord over it. He doesn't lord over it. He just leads. और क्या करता है, पांचवी बात को, एक चरवाहा जो है वो उनका अगवाही करते हैं, उनके ऊपर बोझ और दबाव नहीं डालता, बल्कि वो अगवाही करके ले जाता है. And then finally, the sixth point, he goes before the sheep as a good example and the sheep will follow the good example and we have his footprints so that we could follow his footprints and his footsteps as faithful sheep in his pasture. और जो है एक जो भेड़ है, जो एक चरवाहा है, वो क्या करता है, ना भेड़ों की आगे आगे चलता है, उसकी जो पदचिन्ह है उस पदचिन्ह को देख करके जो भेड़े हैं उसका अनुकरण करते हैं, एक नमूना भरा जीवन को जीता है, उसके पीछे पीछे वो सबके सब चलते हैं. हमारा एक चरवाहा है जिसका पदचिन्हों को देख करके हमें चलना है. So let's read verses 7-10 which talks about the true shepherd who protects and promotes life and the false shepherd takes away the life. आइए हम लोग सातवां पद से लेकर के हम लोग दसवां पद तक पढ़ेंगे. एक अच्छा चरवाहा जो क्या करता है, ना अपना
अब भेड़ों का रखवाली करता है, लेकिन एक झूठा चरवाहा अपना भेड़ों से वो चुरा लेता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। I am the door of the sheep. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैं जो है उस भेड़ों का द्वार हूँ। In the pasture lands, in the land of Israel, the sheep pens were made with only one entrance. और जो है पुराने समय में जहाँ पर जो भेड़शाला होती थी वहाँ पर एक ही एक द्वार रखा जाता था। You know, he used to lie down across the entrance. और आप जानते हैं कि वो द्वार के सामने ही वहां पर ही वो चरवाहा सोया करता था। So the wolf had to cross the shepherd if he has to reach the sheep. और यदि जो भेड़िया हैं, वो भेड़ियों को यदि जो है भेड़ों को पकड़ने के लिए जाना है तो फिर वो चरवाहा को उसके ऊपर से कूद करके, उसके ऊपर से होकर के जाने की जरूरत है। So the shepherd was in fact the door. He was a door open for passage. He was a door open for communication. और हम लोग क्या देख सकते हैं, चरवाहा एक द्वार है, वो द्वार जो है वो ही वो खोल सकता है और वार्तालाप करने के लिए भी वो एक एक, एक मार्गदर्शक है, वो ही वार्तालाप करने के लिए आगे पीछे जाने के लिए वो ही सब कुछ है। So instead of keeping people away, he allows those who are called by him, who has accepted him as a savior, to gain admittance to the fellowship of God and all good men. और क्या है ना, इसीलिए उसको नियुक्त किया गया है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उस ग्रहण करने वाले लोगों को स्वागत करने के लिए उस द्वार पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। So all who came before Jesus Christ were thieves and robbers. प्रभु यीशु मसीह से पहले जितने लोग आए वे चोर और डाकू के समान थे। So whoever came before me are thieves, which convey that he is talking about the present people and the leaders of Israel. और हम लोग क्या देख सकते हैं, मेरे से पहले जितने लोग आए वे चोर और डाकू के, उनका मतलब क्या है कि उसी समय प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग थे वो अगवे लोग थे, उन लोगों के विषय में, फारूसी और सादूसी लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। So what is the difference between a thief and a robber? Anybody wants to attempt? और कोई इस बात को बताना चाहता है चोर और डाकू के विश्व में उसका अंतर क्या है, उसकी पार्थक्य क्या है? Okay, because of lack of time, let me give the answer. Thief, आपके कारण मैं बताना चाहता हूँ। Thief implies deception. Thief implies trickery and coming through small holes in the wall or through jumping through the wall. और चोर वो क्या करता है ना, वो जो है धोखा देता है, और चोर जो है बहुत सारे षड्यंत्र रचता है, छोटा सा एक होल बना करके, छोटा सा एक गड्ढा बना करके उसके अंदर से वो प्रवेश करने का प्रयास करता है। A robber implies violence and destruction. और लेकिन डाकू क्या करता है ना, वो जो है गुंडागर्दी करके मारपीट लूटपाट करने का प्रयास करता है। You know that in Chambal, so I don't have to explain. So they take away life, but Jesus gives life. Lord, जो है Chambal जो क्षेत्र में क्या होता है, इस बात का बहुत अच्छे से जानते हैं। वे लोग जीवन को भी ले लेते हैं, आप धन को भी लूट लेते हैं। They take away life, but Jesus gives life abundantly. और वे लोग तो जीवन को लूट लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह जीवन जो है परिपूर्ण और भरपूरी से देते हैं। The religious leaders were tools in Satan's hand,
as Jesus told some of these leaders that their father was actually the devil. और हम लोग क्या देख सकते हैं उस समय जो धार्मिक अगवे लोग थे वे सब के सब शैतान के हाथ में एक टूल्स के समान थे, उसको जो है शैतान इस तरीके से इस्तेमाल करता था. They were blind leaders and the sheep did not hear them. But Jesus seems to say that his sheep will not hear the voice of thieves and robbers who come after the sheep. और वे लोग सबके सब अंधे अगवे के समान थे, वे लोग जो है अच्छे से भेड़ों का देखभाल नहीं कर पाते थे, इसीलिए भेड़ बकरियां उनकी शब्दों को वो लोग नहीं सुनते थे. We are rich in Christ. He gives us abundant life. Abundant life is not long life. और हम लोग प्रभु यीशु मसीह में अमीर है, हमें भरपूर जीवन मिला है. भरपूर जीवन का मतलब ये नहीं है कि लंबी उम्र है. It is not a comfortable life. और ये एक सुखदायी जीवन नहीं है. But abundant life is a life of satisfaction and contentment in Jesus Christ our Lord. लेकिन जो भरपूर जीवन ये होता है कि तृप्त भरा जीवन होती है. हम प्रभु यीशु मसीह में तृप्त हैं. हमारे पास कुछ भी हो उसी से हम तृप्त रहते हैं. So let our lives be full of life. Let us be bright, shining lights in this dark world, and may we be better sheep in his pasture. May God bless you. Thank you for the wonderful translation. Thank you for your patient listening. God bless you and have a great day ahead. God bless you all. और जो है आओ हमारे जीवन में एक भरपूर जीवन हो, वो जीवन की परिपूर्ण जीवन हो, एक सुखदायी और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह में एक तृप्त भरा जीवन हो. प्रभु आप सबको आशीष करें. थैंक यू सो मच अंकल फॉर द वंडरफुल मैसेज. Thank you so much, dear sir, for your wonderful message. बहुत ही अच्छी रीति से expository message जो आपने हमारे बीच में दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. यद्यपि आप बिजी होने के बावजूद भी आप हमारे लिए जो कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आकर के परमेश्वर का वचन को सिखाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. और बहुत बहुत धन्यवाद शिविर भैया, आपने जो वचन को बहुत अच्छी से भाषांतर किया, इसलिए प्रभु आप दोनों दास को बहुत आयुष आशीष करें. परमेश्वर की महिमा हो. अगर कोई सूचना है तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे बीच में रंजीत सर है, अगर कोई सूचना है तो वो आगे का समय लें. प्रभु का स्तुति हो. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बीजू सर, आपका बहुमूल्य समय और परमेश्वर का वचन आपने जो दिया है. मैं जो चैप्टर 10 से लेकर के जो हम जो मनन कर रहे थे और द बेस्ट पार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड मोसेस के बारे में जो लेके आया था, दैट इज अ वेरी 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 गुड एग्जांपल. बिकॉज़ वहां से हम लोग ये सीख सकते थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसका दासों को भिन्न भिन्न एग्जाम्पल के द्वारा उनको सिखाया गया. हमको भी प्रभु ने जो सिखा रहे हैं, और प्रभु का दास होने के नाते हम लोग जो विश्वासियों का प्रति जो चिंता रखने वाले लोग, और उसमें दिखाता है कि हम लोग प्रभु का दास लोग कितना विश्वासियों का प्रति भी चिंता रखते हैं, और हमारा जो विश्वासी कहां गया, क्या हुआ, दैट ऑल्सो शोस आवर कंसर्न एज जीसस क्राइस्ट. प्रभु जिस प्रकार से उसका शिष्य और उसका लोगों के प्रति जो चिंता कर रहे थे, हम लोग भी उसी रीति से एक दूसरे को चिंता करना बहुत जरूरी है. Thank you, Viju sir, for your wonderful message. That is a very, very heart touching, and I wholeheartedly I thank you for that. And आप लोग सभी लोग प्रार्थना करके आ रहे थे. शिवपुरी असेंबली हॉल जो बन रहा है उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करें, और जो रेगुलर आउटरीच चल रहा है आप लोग प्रार्थना निरंतर करते रहे. और प्रार्थना करें कि मेरा पिताजी, आप सभी लोग प्रार्थना किया है, बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा पिताजी कल भी उनका तबीयत थोड़ा से बिगड़ा हुआ था, बिकॉज वो भुवनेश्वर में कैंसर, थ्रोट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, थ्रोट में उसका कैंसर हुआ है. सो कभी कभी वो बहुत मतलब लास्ट ब्रेथ भी ले रहा है, और एक बार लाइफ में भी आ रहा है. सो हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे, और प्लीज आप लोग कंटिन्यूअली उसके लिए प्रार्थना करते रहे. थैंक यू सो मच.
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो सूचना दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज की सभा को यहीं पर हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे, और मैं प्रार्थना के लिए बुलाना चाहता हूँ, हमारे बीच में मनोहर मसीह अंकल है, वे हमको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मनोहर मसीह अंकल आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुबह के अवसर के लिए कि एक भोर को प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आके फिर से बैठे, और बैठकर प्रभु जी हम आपके उस उम्दा वचनों को जो कि आपने हमारे बीच में दिए उनको याद करके हम बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं कि प्रभु आपकी आपके जो वचन है वो हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है प्रभु, कितने आनंद से भरे हुए हैं कि प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में बैठकर इन वचनों को जब सुन रहे थे हमें अपने चरवाहा के विषय में याद करने की जरूरत थी प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं भाई बिजू सर के लिए जो आपके वचन को लेके हमारे बीच में उपस्थित हुए, और उन्होंने बड़ी प्रेम के साथ बड़े आनंद के साथ उस चरवाहा के विषय में, उस भेड़ों के विषय में जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय से जो बताना शुरू किया प्रभु, हम उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी दया उनके द्वारा हम देखते हैं। प्रभु जी आपने अपने दास को इस्तेमाल किया, और प्रभु जी आपने उनको संभाला, और अपने बिजी लाइफ के होते हुए भी प्रभु जी आपने उनको वचन बताने के लिए जो सहायता करी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तो वो भेड़े थी जो भटक गई थी और तितर बितर हो गई थी प्रभु जी, और हमारे चरवाहा कोई ना था, परंतु तूने अपनी एक पुकार के द्वारा उस शत्रुओं से जो लेके गए थे, तितर बितर हो करके लेके गए थे प्रभु जी, एक आवाज से प्रभु आपने फिर से बुला लिया, और हम अपने चरवाहा के चरणों के पास में बैठकर शांति पाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमारा जीवन बहुताई से अबंडेंट लाइफ जो कहते हैं प्रभु जी, उसमें तृप्त हैं मसीह यीशु के अंदर। कि प्रभु जी हमें मालूम है कि हमारा चरवाहा हमारे लिए अपने प्राण दे सकता है, और प्रभु जी हम केवल शब्दों से नहीं देखते प्रभु, परंतु आपने सचमुच ऐसा किया है कि प्रभु जी आपने अपनी भेड़ों को एकत्रित करने के लिए चरवाहे को मारा और उसको क्रूस पर लटकाया, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और पिता वो आज हमारे मध्य में है, और पिता तेरे दाहिने हाथ पे विराजमान है, अपनी भेड़ों की चराई करता है, अगुवाई करता है, उनको प्रभु शांति देता है, उनका जीवन बचाता है, और जो उसकी आवाज पहचान लेते हैं निश्चय अनंत जीवन उनका है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका, आपके महान योजना के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए कि प्रभु जी इस पृथ्वी पर हम सुरक्षित हैं प्रभु जी आपके हाथ में, भले ही चाहे कितनी परेशानियां क्यों ना आए, मुश्किल हालात क्यों ना हो, विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु जी, परंतु हमें आशा है कि तू हमारे साथ है, तू हमारी रक्षा करेगा, तू हमें अगुवाई करेगा, और हमें तृप्त जीवन के साथ साथ आगे बढ़ाएगा प्रभु जी। वचन में बने रहने के लिए आप सहायता करें, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए सहायता करें प्रभु जी, आप मदद करें आपके दासों के लिए जो BDTI के अंदर प्रभु जी आकर आपके नए नए वचनों को हम तक पहुंचाते हैं, उनके उनके उनकी सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनके रोजगार, उनके काम धंधे, उनकी जरूरत आवश्यकताओं को सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। जितने भी भाई लोग इसको सुनते हैं, जितने परिवार उनको सुनते हैं प्रभु जी, उन सब पे प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, बेदारी दे ताकि सारे परिवार जो मसीह में हैं, और प्रभु जी उनको सहायता कर ताकि वो प्रफुल्लित हो प्रभु, आनंदित हो, और उनकी जरूरतें और उनकी आवश्यकताएं पूरी होती चली जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई
रंजीत के पिताजी के लिए जो भुवनेश्वर में प्रभु जी पीड़ित हैं बीमारी से, कैंसर से प्रभु जी, और जो थॉट कैंसर है प्रभु, हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, होने दे के उनके सांस लेने की वो समस्या दूर हो और वो अच्छे से सांस ले सके, और वो कैंसर के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको दूर करें प्रभु जी, सहायता करें प्रभु जी, चंगाई दे प्रभु जी, अपने परिवार के साथ में वो बातें कर सके और प्रभु जी आनंद कर सके, हम प्रार्थना करते हैं। चारों भाइयों को शांति दे प्रभु, अपने पिता के विषय में वो प्रभु जी शांति पाए, आनंद पाए प्रभु जी, और वो अपने पिता को बोलते हुए देखने पाए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, और प्रभु जी जो शिवपुरी में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको भरपूरी से उठने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु, और अपने समय में प्रभु जी पूरा हो जाए उसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। कोई रुकावट बीच में ना आने पाए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। अब यहाँ से हम विदा होकर जाते हैं, अपने अपने कामों की तरफ जाएंगे प्रभु, सहायता करना प्रभु, और जब तक हम अपने अपने मार्गों में हैं, हमारी रक्षा कर और अगुवाई कर। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। यदि हमसे जाने अनजाने में जो गलती हो प्रभु, उसके लिए क्षमा चाहते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 प्लीज सर, थैंक यू सो मच सुंदर वचन के लिए। थैंक यू सो मच भाई शिविर को भी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने जो वचन सुनाया प्रभु आपका आशीर्वाद करें। राजेंद्र ब्रदर, जय मसीह की। मनोहर भाई, जय मसीह की। जय मसीह। अंकल जी, जय मसीह। जगवीर भाई, जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। जय मसीह।